देखो कुछ कहानियों का यही है सार कि औरतों की इज्जत करो हर बार, पर उनसे दूर रहो मेरे लाल, अन्यथा हाल होगा बेहाल। क्योंकि अनुभव वास्तविकता अस्ती, गलत दिशा में थी तेरी कश्ती, तभी तो उजड़ी है ना तेरे बिलीव सिस्टम की बस्ती। यूनिवर्स मुझ पर हंसता है और यही कहता है, साले तुझे ही शौक था ना उड़ता तीर लेने की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, जिसको समझ नहीं पाया कोई भी, फिर तूने उसको समझने की नाकाम कोशिश क्यों की। और जब हम बात करें इक्वालिटी की, तो महिलाएं ना देवी है ना जूती पांव की, महिला पुरुष की कथा एक समान सी। पर तूने समझा था कब, इसलिए सजा भुगतो अब, सबको ऊपर उठाते हुए सब, पता ही नहीं चला एडी तू नीचे गिर गया कब। इस कब से अब तक के सफर पे देख के दस्तक अपनी हथेली पर कर, अपने कर्मों का दस्तखत, फिर एक्सेप्ट करके सब लिख दो तुम यूनिवर्सल त्रुट का खत। अब समझ आया तू नहीं था मेरा अर्थ इन द अर्थ, जिस जगह से शून्य दिखे अर्थ वही है मेरा अर्थ, चला गया तेरा अर्थ इन द गर्थ, जो पहले होता था इन द अर्थ, और अब जानकर त्रुट ऑफ द अर्थ, समझ चुका हूँ मैं अपना अर्थ। दरअसल मुझे करने की आदत थी सबको इमोशनली हील, हर रिश्ते को करता था मैं डीपली फील, मैं घर जैसा रिश्ता निभाने में था लीन, मैंने कभी नहीं की थी डिप्लोमेटिक वाली बिजनेस डील, पर आपको तो लगता था एडी सुअर है जो खाता है पोटी वाली मील। अच्छा हुआ तुम्हें ये लगने लगा था, वैसे भी तुम्हारी समझदारी से मैं थकने लगा था, तुम सबको समाज में खुद को सही दिखाना था, इसलिए मुझे फिर से खुद को गलत साबित करना था, और फिर क्या था, फिर वही हुआ जो पहले से तय था, मैं फिर से गलत साबित हुआ। मगर मजा तब आया जब इस सफर में मैं अकेला हुआ, उन सारी विपदाओं के सामने डट के खड़ा, दिन प्रतिदिन खुशी का पेड़ हुआ बड़ा, अब वैसे भी किस बात का डर है, अब तो फटने वाला है संभावनाओं का घड़ा। तुम सब ने धर्म को लेकर लगा रखी है एक ही बात की रट, कि तुम्हारे धर्म को ही पता है सब कुछ सच, पर उस धर्म का सच भी अनजान है अब तक, अभी अंधविश्वास की पट्टी बंदी है, इसलिए नहीं हो तुम पूर्ण सच से अवगत, पर मौत के बाद जान जाओगे कि ईश्वर और धर्म नहीं है शत प्रतिशत सच। पिछले जन्म के कर्मों का फल है कहते हैं धर्म के ठेकेदार, उस 6 महीने की बच्ची का कैसा कर्म, जो हुआ उसका बलात्कार, भाग्य भरोसे से नहीं पाप का होगा विनाश उठाने से हथियार, फिर भी तुम धर्म के अंधे समझते नहीं हो, इतिहास ने आपको बताया है यार कितनी बार। तुम इतने धार्मिक हो फिर भी प्राय औरतों के साथ तुम्हारे अफेयर ट्रेंड है, राम अल्लाह जिस सिर्फ जुबान पे है, असल में पति के बाद भी उसके बॉयफ्रेंड है, धर्म तो कहीं खो गया है, ये धर्म नहीं है, ये तो धर्म का प्रिटेंड है। भगवान की सोच सोशल मीडिया तक सिमटे जा रही है, रियलिटी तो ये है कि धर्म की सच्चाई मिटती जा रही है, तुम्हें लग रहा है इन सालों में धार्मिकता की लहर आ रही है, पर सच तो ये है कि वो अंदर से तुम्हारी जीवात्मा को खा रही है। देखो जब धर्म होता है ना मनुष्य के लिए अफीम का भोग, तो कहां से होंगे आविष्कार और प्रयोग, समाज में भयंकर रूप से फैले हैं ये रोग, नौकरी पैसा शादी संभोग, क्या कभी इनसे आगे बढ़ी है हमारी सोच। अब तुम कहोगे एटी क्यों दिखा रहा है धर्म की भूख, क्या यही है तेरा यूनिवर्सल त्रुट। अरे ब्रो ये नहीं है यूनिवर्सल त्रुट, ये तो है दुनिया का सबसे बड़ा वाहियात झूठ। यूनिवर्सल त्रुट वही है जो अनंत काल से कहानी रही है, जिसको समझना हमारे लिए सही है, ये सच्चाई वही है जो समय ने समय समय पर कही है। यूनिवर्स में एक पॉपअप की जैसी है हमारी अर्थ, और हमें लगता है हम जानते हैं जीवन का अर्थ, जीवन उस समय भी था जब मनुष्य का नहीं हुआ था बर्थ, अभी इसी तरह के साथ मिटेगी आंखों पर लगी वहम की परत। कहने को जिंदगी बड़ी है पर मौत के बाद वो छोटी है, आज जिसको जीवन मिला कल उसके पास मौत वापस लौटी है, मन में जो बसा अहंकार है उसको करना दरकिनार है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें सागर की बूंद जितनी पृथ्वी, उसमें तुम्हारा छोटा सा देश, उसमें नन्ना सा गांव, और उसमें चिंटी से तुम, तो औकात क्या है तुम्हारी। कभी सोचा है आज हम जिनकी चुगली करते हैं, जिनसे मन मुटाव रखते हैं, जिनको गालियां देते हैं, यदि उनकी कल मौत हो जाए तो फिर हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जाने का फिर अफसोस करते हैं कि क्यों हम लड़ाई करते हैं, और फिर मन में सिर्फ रिग्रेट के भाव रहते हैं। रिग्रेट से बेहतरीन यही रहता है कि इन सारी नकारात्मकताओं को मन से निकालो, क्योंकि यूनिवर्स को रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलता है, और किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा खामोश रहना ही कहानी बदलता है। ये तो होना ही था, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का फर्ज है, वक्त के साथ मैं भी बदल गया तो लोगों के बदलने में क्या हर्ज है, मनुष्य की प्रवृत्ति है बदलाव, स्वार्थ से भरा है हर एक भाव, कभी आता है ठहराव तो कभी आता है लंबा उछाल। बाकी सब दिखावे के होते हैं सारे झूठ, पर लॉजिकली त्रुट है हष्ट पुष्ट, तभी तो दिमाग रहता है तुष्ट, क्योंकि अभी तक यही है यूनिवर्सल त्रुट। अभी सोचने का दायरा बहुत छोटा है, इससे आगे भी है बहुत कुछ, कुछ हजार साल पहले आए थे ये धर्म, ये कर्म, ये नियम और कायदे, ये सभ्यता, ये संस्कृति, ये रीति और रिवाजें, जिस जमीन पर ये खड़े उनकी कमजोर है जड़ें, पर एक समय बाद जब पता चलेगी अल्टीमेट रियलिटी,
तो इस बनावटी सत से वो काफी अलग होगी।